Hi children, today we are going to learn about Muhammad Ghori and the dynasties in South India. In previous class, we have, we learned about Muhammad of Ghazni. Uh, Muhammad of Ghazni attacked seventeen times India within twenty six years, and he captured many places and uh, he looted thousands of temples to collect the wealth. These all things we learn. Um, about muhammad of ghazni and uh, today we are going to learn muhammad gori muhammad gori attacked india in, in the end of 12th century and he came from afghanistan and he was the uh, ruler of a small kingdom of afghanistan and uh, he captured many places uh, from india like Multan, and he attacked Gujarat, even Delhi and Ajmer. Also, he attacked. And in the first battle of Tarain, this battle fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. In the first battle, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, and then in the second battle of Tarain, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan and also he killed Prithviraj Chauhan. And then Gauri made Indian territories provinces of his empire and appointed Kutabdin Aibak as his governor. Actually, Muhammad of Ghazni attacked India for wealth, but Muhammad Gauri attacked India and he captured some places and he added these places to his provinces and he made one person as a governor. He appointed

Kutabdin uh, Guttab, Aibak added this with a Muslim empire, added to his uh, Muslim empire. And uh, next topic is dynasties in South India. In the Pallavas, Pandyas, and Cholas were the powerful kingdoms in South India who were always in the constant struggle for supremacy. And, uh, हमने जो कल देखा जो uh, थ्री ग्रुप्स जिस uh, गुर्जरा प्रतिगारास एंड राष्ट्रगुतास एंड पालास वो आपस में ऐसा फाइटिंग करते रहते थे वैसा यहाँ पर भी दिस पल्लवास पांड्यास एंड चोलास दे वर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रमसी एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट चोलास एंड चोला डनासिटी विजयाल फाउंडेड द चोला डायसिटी हू रूलड इन सऊथ इंडिया फॉर नियरली फोर सेंचुरी दिस चोला डैनासिटी वाज फाउंडेड बै विजयालय एंड दिसनासिटी रूलड सऊथ इंडिया नियर्ली फोर हंड्रेड इयर्स एंड आफ्टर दैट चालूक्यस् एंड पलवाज दिस टू पवर्स आगे तो चोला स्ोस्ट देर ग्लोरी एंड पवर आफ्टर द रईज ऑफ द चालूक्य एंड पल्लवास द चोला देर ग्लोरी एंड पवर एंड विजयालय वास द फाउंडर ऑफ दिस डायनासिटी ही कैप्चर्ड कावेरी डेल्टा एंड ही बिल्ट ए टाउन दट इज नौन एस तंजावूर एंड तंजावूर उसकी कैपिटल थे नाइंथ सेंचुरी में तंजावूर वास द कैपिटल ऑफ चोला डायनेटी एंड हि सक्सेर्स वेर राजेंद्र चोला एंड राजराजा चोला दे रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ सद इंडिया विजयला की सक्सेस उसके बाद में जो आया राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला दे वेर नोन फॉर देयर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर वर्क्स बिल्डिंग टेम्पल एंड सपोर्टिंग आर्ट एंड कल्चर दिस टू राजा चोला एंड राजेंद्र चोला देवेर फेमस देवेर वेल नोन बिकॉज ऑफ़ देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर आर्ट एंड कल्चर उसको सपोर्ट करते थे एंड फॉर द एविशियंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजेंद्र चोला हाड ए वेरी स्ट्रोंग नेवी उसके पास नेवी uh, थे राजेंद्र चोला के पास एंड हेंस ही फोर्ट अगेंस्ट द श्री विजया एम्पेयर ऑफ मालयन पेनिसुला मीन्स uh, उनका पास नेवी रहने की वजह से वो डिफरेंट आइलैंडस को भी अटैक कर दिया सुमात्रा जावासा नईलैंड को भी दे राजेंद्र चोला अटैक किया एंड द फीचर्स ऑफ चोला स्पीरियड फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन द किंगडम वॉज एडमिनिस्ट्रेड आफ्टर डिवाइडिंग इट इन टू प्रोविसेस कोल्ड

మండలం చోళాస్ డివైడెడ్ ఇన్ మండలం అండ్ మండలంకులుక్ ఆఫ్టర్ కా గవర్నర్ కోండ్ ఈచ్ మండలం వాస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ వేరియస్ వలనాడుస్ వడనాడుస్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ నాడు మీన్స్ విలేజ్ దెన్ దిస్ వడనాడు ఫర్దర్ డివైడ ఇన్ టూ విలేజెస్ ఇన్ దిస్ వే దే డివైడెడ్ దింగ్ ఓకే అడ్మినిస్ట్రేషన్ జస్ స్టేట్ दैन डिस्ट्रिक्ट विलेज ये सिस्टम की जैसा मंडलम्स एंड वड़नाडू दैन विलेजस विलेज वाजता स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देन मैनी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलते इन लोगों ऐसा डिवाइड किया करके एंड दिस विलेज में सभा रहते थे विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को सभा बोलते थे एंड मेम्बरशिप ऑफ सभा वास ओपन टू ब्रह्मंड एंड पीपल ऑफ़ अदर कास्टर्स so, सो ये जो सभा में आ, जो मेम्बरशिप सभी को मिलते थे देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर दी रीजनल लैंग्वेजेस तमिल तेलुगू एंड कन्नडा दिस वर द रीजनल लैंग्वेजस ऑफ द साउथ इंडिया ये बहुत अच्छे से ग्रो गुर, ग्रो हो गया इन द चोलास पीरियड एंड

एंड स्क्रप्चर्स एंड आर्किटेक्चर उनको भी इनक्रेज किया स्क्रप्चर्स को आर्किटेक्चर को जो चोलास टेम्पल स्पेशली दोस्ट ऑफ तंजावूर एंड गंगाई गोंडा चोलापुरम आर आर्किटेक्चरल एंड स्क्रप्पच्चरल मार्वल्स जो उनका जो कैपिटल थे तंजावूर वो बहुत अच्छा से उन लोगों ने आर्किटेक्चर वर्क से एंड स्क्रप्चर से वो बहुत सुंदर बनाया एंड गंगाई गोंडा चोलापुरम को भी एंड टेम्पल्स वेर नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप ये टेम्पल्स सिर्फ जाके वर्शिप करने की जगह नहीं होते थे उल्टा उधर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ का भी एक सेंटर थे टेम्पल्स ब्रॉन्स इमेज एंड ऑफ दिस पीरियड आर कंसिडर्ड द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड ऐसा ब्रॉन्स इमेज उस समय का जो चोला टाइम के ब्रॉन्स इमेजस फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थे देन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन मोर एरियावास used for the cultivation and after new development in agriculture and many places like forested forest, uh, forest uh, clear kia. Uh, trees for mm -hmm. cutting karke uh, cultivation kia. agriculture kia. and uh, very good irrigation facilities also uh, was available in that time All people took active part in these activities and uh, next uh, फ्यूचर ऑफ चोला स्पीरियड इज पब्लिक वर्क एंड टैक्सेस टैक्सेस में टैक्स कलेक्ट करने के लिए एफिशियंट सिस्टम लोगों के पास था चोला साढ़ा एंड सिस्टम फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस लेवीज रेंट एंड अदर फाइंस दे पेड अटेंशन टू पब्लिक वर्क लाइक पब्लिक वर्क में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स मोनमेंट्स सिटीज टाउंस एंड इरीगेशन सिस्टम यह सब बहुत अच्छे से उस समय में चोलास पीरियड में बनाते थे देन विलेज सभा ए स्पेशल कमेटी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क गार्डन्स टेम्पल्स एक्सेट्रा दस चोलास टू को ऑल स्टेप फॉर एफिशेंट एडमिनिस्ट्रेशन उधर स्पेशल कमेटी को रखा है विलेज में ताकि वो इरीगेशन वर्क गार्डन टेम्पल यह सब आफ्टर करने के लिए एंड पब्लिक वर्क एंड

ആൻഡ് അഗ്രീകൾച്ചർ ആൻഡ് ഇരിഗേഷൻ ഗി പോലെയോ ബോത്ത് ഗുഡ് സിസ്റ്റം ദ ഫോളോഡ് സോ ദിസ് ഓൽ എബൗട്ട് ദ ചോളാസ് പിരിയട് ഓക്കെ നൗ ദിസ് ലെസൺ ഈസ് ഓവർ താങ്ക് യൂ